अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। केस नंबर 21 के साथ हाजिर। और आपकी सोच है, मैंने चौथी दफ़ा बना रहा हूँ। एक दफ़ा एक माइक रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, दूसरी दफ़ा जब रिकॉर्ड दबाया तो कैमरा जो है वो इसको फोकस कर रहा है, मैं भी 6 घंटे से बोल रहा हूँ अपना। बाहर में देखा और ऐसे ऐसे अंदर से जो है वो निकले, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ अभी। बट एनी वेज, दिस इज़ माई फोर्थ टाइम ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर केस। ये एक मिड 40s के पेशेंट हैं। इनका ये वाली खिड़की, एक दांत टूटा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ही वॉन्ट्स टू गेट दिस फिक्स्ड। ऑफकोर्स हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, कोई भी मिसिंग दांत, लेकिन उससे भी पहले हम सोचते ही हैं कि क्या ये दांत बच सकता है। जिस तरह हमने ये वाला दांत बचाया था, यहाँ क्लिक करके जाके देखें, ऐसे ही केस था, दांत टूटा हुआ था लेकिन हमने वो बचा लिया था। लेकिन बचाने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कितना फेरूल है, कितना टूथ स्ट्रक्चर है या नहीं है, क्या अभी जो है वो कैरियस है, हिल तो नहीं रहा, इन्फेक्शन तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तब हमें पता लगता है कि यार टूटा हुआ दांत भी हम बचा सकते हैं। तो पहले इसको हम रिट्रैक्टर लगाते हैं और हम देखते हैं कि जी ये जो इनके सामने दांत है, इसका हम क्या कर सकते हैं, क्या ये बच सकता है, नहीं बच सकता, देखते हैं, पहले इवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, ये रिट्रैक्टेड तस्वीर है इसकी। इसमें हमें ज़रा थोड़ा फुल एक्सटेंट नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट फुल एक्सटेंट। पूरा एक्सटेंट तब हमें नज़र आएगा जब हम ऑक्लूजल तस्वीर भी देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमें नज़र आती है। इसमें ये नज़र आता है हमें कि यहाँ तो हमारे पास फेरियूल है, कोई दांत का स्ट्रक्चर है जो कि पूरी बकल साइड पर जा रहा है। यहाँ हमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि ये कोई केरियस है या सॉफ्ट जगह है, केरियस था बाय द वे। और यहाँ भी नज़र आ रहा है हमें कि कोई इशू है। पीछे की हमें सिचुएशन नहीं पता जब तक हम पीछे देखेंगे नहीं। बीच में ग्रे ग्रे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, कोई मतलब दांत की कोई ख़ास कंडीशन हमें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन साफ़ करने के बाद पता लगेगा ना, या इवेल्यूशन पूरी करेंगे, एक्सरेज देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल इनिशियल जो तस्वीर है वो ये है कि ये दांत के चांसेस बचने के थोड़े स्लिम है, क्योंकि अभी इतना सा रह गया है और जब इसको हम साफ़ करेंगे तो और कम रह जाएगा। तो एटलीस्ट जो मीजर और डिस्टल जगह नज़र आ रही है आपको, वो जो है फेरूल होगा नहीं। तो खैर, अब इसकी ऑक्लूजल तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमें ऑक्लूजल तस्वीर नज़र आ गई है। इसमें थोड़ा और आपको बेटर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। अगर सिर्फ ये तस्वीर होती तो ऐसा लगता है कि बहुत दांत बचा हुआ है, लेकिन आपको मैं बकल दिखा चुका हूँ, कोई ख़ास है नहीं। बकल सिर्फ हमारे पास ये जगह रह गई है जहाँ पर थोड़ी सी हाइट है, फेरूल है। पीछे देखें, पीछे पूरा कैरियस नज़र आ रहा है, डार्क ब्राउन है, और था भी एक गूई स्टेज में जब हमने क्लिक कर रहे थे तो उसको एक्सकेवेट कर रहे थे तो बिल्कुल निकल रहा था। ये जगह भी साफ़ नहीं है और ये जगह भी हमें साफ़ नज़र नहीं आ रही। और अगर आप अब थोड़ा सा और जूम करें तो, और एक्सरे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके बीच में ये एक मेटल पोस्ट लगी हुई है। इसका मतलब इसकी रूट कनाल भी हुई हुई है। इसका मतलब अंदर जब पोस्ट लगा हुआ है तो वैसे ही वो वीक था, इसीलिए इसके ऊपर बिल्डअप किया हुआ था पोस्ट लगा के। तो ये वैसे ही खस्ता हालत में, और इसके बाद अभी हम और साफ़ करेंगे तो कोई ख़ास ये बचेगा नहीं। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ सेवेबल टूथ। अदरवाइज़ अगर पूरी मार्जिन होती तो मैं हर जगह ही साफ़ कर लेता, लेकिन मार्जिन होती तो फिर मैं क्राउन लगा देता कोई पोस्ट के बाद। लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज़ सेवेबल, दैट्स वन, क्योंकि अभी भी रिक्वायर्ड है वर्क। और अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे एक लगा हुआ है इनके ब्रिज। ठीक है, अब इसको हम आगे चलते हैं। ये आगे वापस बकल तस्वीर। अब अगर हमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि ये दांत निकलेगा, ठीक है, ये दांत निकल के फिर आप करेंगे क्या? ये दांत निकाल के आप क्या ब्रिज देंगे या डेंचर देंगे या इम्प्लांट लगेगा, ये पेशेंट डिस्कस करेंगे हम। लेकिन एक और बात है, अब बात ये है कि एस्थेटिक रीजन है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अनफॉरगिविंग है, ज़रा सा भी ऊपर नीचे होगा तो वो चीज़ नज़र आएगी। दूसरी बात ये, अब हम ब्रिज नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि पहले ही पीछे ब्रिज लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ का हम ब्रिज नहीं दे सकते क्योंकि ब्रिज यहाँ से पीछे तक का वैसे ही लगा हुआ है। तो वी कांट गिव अ ब्रिज अनलेस हम ये पीछे वाला जो पूरा पोर्शन है ये निकालें। और फिर आपका जो साफ करता हूँ, आपका जो नया ब्रिज है वो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, न्यू ब्रिज। ठीक है, ये इतने से दांत के लिए ना, हमें इतने सारे दांत इन्वॉल्व करने के लिए ना, ये दिस इज ओवर ट्रीटमेंट, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्पैन है जस्ट टू कवर अ स्मॉल एस्पेक्ट। ऑफकोर्स अगर कुछ और ऑप्शन नहीं बचता तो फिर हम वो पीछे वाले निकालेंगे। अगर पेशेंट ने कहा मैं इम्प्लांट जो है, जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या मैं कोई और ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, मैं ब्रिज ही चाहता हूँ, तो फिर हमें वी हैव नो ऑप्शन सिवाय इसके कि हम पीछे वाला ब्रिज निकालें। अच्छा, जब भी किसी का कोई पुराना ब्रिज लगा होता है ना जो चल रहा हो, मैं डरता हूँ उसको निकालते हुए,
ठीक है, क्योंकि मैं कर तो कुछ भी लूंगा, मैं डेंटिस्ट्री है, आप अगर दांत पेट में भी होगा तो आप निकाल ही लेंगे एक्सट्रैक्ट करके, अगर आपको कुछ साल हो जाए और कोई भी दांत होगा आप बचा ही लेंगे, लेकिन प्रोग्नोसिस चाहिए ना आपको अच्छी कि चले वो, सिर्फ काम आपका करना इज़ नॉट द एम, एम इज़ कि वो दांत चले। तो अगर पीछे वाला ब्रिज काफ़ी सालों से चल रहा है, अब मुझे नहीं पता कि उसके अंदर दांत टूटे हुए हैं या ये जॉइंट क्राउन्स बनाए थे, जो मैंने पिछली वीडियो बाय द वे बनाई थी वो यहाँ क्लिक करके देख लें, उसमें यह था कि वो दांत इतने कमज़ोर थे कि मैंने उनके ऊपर बिल्डअप तो किया हुआ था लेकिन उनको ज्वाइन किया हुआ था, क्योंकि मुझे पता है कि वो अलग अलग थोड़े कमज़ोर हैं। तो क्या ये पिछले डेंटिस्ट ने इस जगह पे जो क्राउन्स लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं कि ये कमज़ोर थे अंदर से, या फिर बीच में एक मिसिंग दांत है, या मिसिंग दांत भी है और वो कमज़ोर भी हैं, ईदर वे मुझे नहीं पता उनकी हालत अंदर क्या है। तो अगर कोई ऑप्शन है जिसमें मैं उनको नहीं छेड़ूँ और फिर भी अपना काम कर लूँ, मैं उसकी तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो अब ये है कि उनको हमने बताया कि भाई आपके हम करेंगे आपका एक डेंटल इम्प्लांट, आपका यहाँ एक अभी रूट है दांत की, ये बीडी बाहर निकालेंगे, यहाँ आपका एक डेंटल इम्प्लांट आ जाएगा, आपको टेम्प्रेरी यहाँ पे हम एक वो दे देंगे कोई डेंचर फॉर अ फ्यू मंथ्स, फॉर फ्यू वीक्स, एंड देन उसके बाद आपका इस क्राउन के ऊपर एक इम्प्लांट के ऊपर एक क्राउन आ जाएगा अबटमेंट के ऊपर ऐसे करके। वाह क्या लेटरल बनाया, देखिए बना बना के ना मेरी ड्राइंग, मेरी आर्ट टीचर को भेजनी चाहिए अभी ये, वो हमेशा मुझे कहते हैं वैसे घर बना सकता हूँ एक, वो भी बॉक्स, ठीक है, बाहर चिड़िया और सूरज भी और एक चांद भी साथ में दोनों, क्योंकि वही आते थे, ठीक है। गाड़ी भी बनानी आती है मुझे बाय द वे, जब बहुत बुलाओ ना तो मैं उसका एग्जॉस्ट पाइप भी बना लेता था कि उसमें हवा जा रही थी, बेसिकली बकवास ड्राइंग थी, लेकिन अब बेहतर हो गई है। एनीवेज मैंने मेडिकल कंडीशन देख ली, सब सही है, कोई अनकंट्रोल डायबिटीज़ नहीं है और कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो अब इनका डेंटल इम्प्लांट होगा, कॉस्ट का भी इशू नहीं है। तो ये उनको बताया कि आपका डेंटल इम्प्लांट होगा, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है, क्यों, जो रूट रह गई दांत की उसको निकालने में इतना आसान नहीं है, क्यों नहीं है आसान, पहली बात वो ऊपर जो बीडी है टूटा हुआ है, एक मसला, दूसरा जहाँ से इंस्ट्रूमेंट ने पकड़ना है मेरे फोर्सेप ने वो ये जगह है, यहाँ से आपका फोर्सेप आएगा पकड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, ये पकड़ेगा इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ेगा कैसे, जब जिप्लास है फॉर एग्जांपल, कैसे पकड़ेगा, क्योंकि जहाँ से पकड़ना है इसको वही सारा जो है वो कैरियस है, अभी भी वो गला हुआ है, तो जैसे एक तो वैसे ही टूटा हुआ है, अगर नहीं भी टूटा होता तो भी मुश्किल होता है, मैं जोर नहीं लगा सकता, दूसरा जब मैं इसको पकड़ूंगा और अब जो जगह इस सिचुएशन में वो खोखला सा है तो जैसे ही पकड़ूंगा ये भी टूट जाएगा, दूसरा मसला, फिर मैं फिर बोन उड़ा रहा हूँ ताकि कहीं से दांत मिले जिसको पकड़ूँ मैं और वो निकालूँ, ये हो गए दो तीन मसले। तीसरा और बड़ा मसला वो ये है कि इसकी रूट कनाल हुई हुई है, मतलब वो वैसे ही ग्लास की तरह अंदर ब्रिटल है, तो अगर सब कुछ भी ठीक होता और अंदर रूट कनाल हुई भी होती तो जैसे ही मैं इसको पकड़ूंगा अंदर ग्लास है, वो बीच में सोचता है क्रैक कर जाए, तो ये बहुत सारे मसले हैं। एक और मसला है जो कि चौथा या पांचवा मसला है, और वो ये है कि सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन दांत जो है वो बकली बहुत है, बहुत आगे वाली बोन के करीब है, पीछे वाले दांत जो होते हैं ना बहुत मोटे होते हैं, तो उनके इधर भी बोन होती है, इधर भी बोन होती है, आप दांत निकाल लें अगर आप लेट भी हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस के आपकी बोन जो है वो वहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन इस वाले में बोन है ही क्योंकि दांत पतला है, तो अल्लाह मैंने इसकी बोन भी पतली रखी हुई, तो अगर आप बकुलिंग करेंगे ये वाली बोन जो है ना टूट के साथ में बाहर आ जाएगी, तो जो ग्लास है उसका एक एंड तो होगा ही नहीं, तो आप उसके अंदर इम्प्लांट कैसे डालेंगे, फिर आपको बोन ग्राफ्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो बहुत मुश्किल है इसका दांत निकालना, इतना सीधा नहीं है। अरे एक और बड़ा मसला, पीछे ब्रिज है, तो अब अगर मैं यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा एलिवेटर कि मैं यूं करूँ, पीछे वाला ब्रिज, आपका निकल गया दांत, निकल गया जी, ब्रिज दांत नहीं निकला अभी, ब्रिज निकल गया, तो ठीक है ये मसले हैं। एनीवेज अब हम आगे चलते हैं, अब मैं कोई भी काम नहीं करता सीबीसीटी के बगैर, स्पेशली अगर कोई एक्सट्रैक्शन वाली जगह हो, तो ये एस्थेटिक रीजन है, अगर आपको मैं सीबीसीटी दिखाऊं उनका, ठीक है वो देखते हैं, यह इतना सीधा नहीं है, ये उसका एक सीबीसीटी है, सीबीसीटी टेल्स यू अनदर पिक्चर, अनदर एंगल एंड अनदर प्रॉब्लम, इसमें नज़र आ रहा है कि आपका जो सॉकेट है वो ऑलमोस्ट समझें इस किस्म का है, ठीक है, अब इस किस्म का सॉकेट है लेकिन इसमें जो दांत है वो ऑलरेडी किधर है, वो बकली है, बिल्कुल यूं लगा हुआ है ऐसे करके यहाँ से लगा हुआ है, तो पीछे तो बोन है, ये आपका दांत है, ठीक है, लेकिन यहाँ समझ नहीं आ रही कहाँ है और फिर यहाँ से ऊपर आ रहा है, सो ये आपका दांत है, इसका मतलब ये कि यहाँ तो बोन है, यहाँ भी बोन है, लेकिन जब आप ये दांत निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की बोन क्या करूँ मैं, ये साथ में बाहर आ जाएगी, ये तो लग रहा है कि दांत वैसे ही इसके बकल पे बोन है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ यहाँ बोन नज़र आ रही थोड़ी सी,
और यहाँ नीचे नजर आ रही है जो बीच का रीजन है, यहाँ कोई बोन हमें नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि जब मैं दांत निकालूंगा तो होगा क्या कि हमारे हर तरफ बोन होगी सिवाय इस जगह पे अच्छा खासा बड़ा एक होल हुआ हुआ होगा। तो मैं इम्प्लांट लगा नहीं सकता यहाँ पे जब तक मैं इस जगह पे बोन का पीस को नहीं लगाता। दरवाज़ा एक खिड़की जो खुल जाएगी हमारे दांत निकालने के बाद, इस जगह पे कोई बोन नहीं लगाता, तब आपका सॉकेट जो है फिर आपका इम्प्लांट यहाँ लग सकता है। लेकिन वो सिर्फ तब लग सकता है अगर यहाँ पे ये खिड़की बंद हो, राइट, जो कि या तो अभी भी खुली हुई है या मेरे निकालने के बाद खुल जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि CBCT है तो हम इसको 3D व्यू में भी देख सकते हैं, ये तो एक्सरे टाइप मोड है ना। अब देखते हैं, ये आपको नज़र आया 3D व्यू। अब 3D व्यू में ये हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि इनके सारे दांत जो है ना उनकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट हमें पूरी की पूरी नज़र आ रही है, लेकिन दांत नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब बहुत हल्की सी बोन सब दांतों के सामने है, लेकिन बहुत हल्की सी ही है, दांत नज़र नहीं आ रहा है। जो हमें एक्सरे वाले व्यू में नज़र आ रहा था ना कि शायद होल है, अभी होल नहीं है, होल नहीं है, इसका मतलब बहुत पतली सी बोन है। इसका मतलब जब आप निकालेंगे तो वो बहुत पतली सी जो बोन है वो शायद साथ में बाहर आ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने लाइफ में कुछ अच्छा काम किया हो और आप दांत आराम से निकालते हो, तो देर इज़ अ चांस कि जब मैं दांत निकालूं बहुत आराम से, तो अगर ये जो बकल प्लेट पतली सी है, इतनी पतली कि एक्सरे में नज़र नहीं आ रही और सिर्फ इस पर नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि जब मैं दांत निकालूं ये पूरी की पूरी बोन इंटैक्ट हो और ये ना टूटे, अगर आराम से निकालूं, ठीक है। तो अगर ये निकाला दांत बगैर टूटे निकल आया और हमें कोई ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ी खास, तो ये अगर बोन बच गई इसका मतलब पूरे का पूरा सॉकेट हमारे पास बच गया, इसका मतलब मैं इम्प्लांट इसमें लगा सकता हूँ विदाउट एनी बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर। तो पेशेंट को आप लेकिन पहले से बता देंगे, पेशेंट को बताएंगे भाई देर इज़ अ 50% चांस कि जब मैं दांत निकालूंगा तो आपकी बोन वहाँ पे नहीं होगी, 50 नहीं ये 80% चांस है कि जब मैं दांत निकालूंगा तो वहाँ हड्डी नहीं होगी, तो पहले आपके यहाँ बोन ग्राफ्टिंग होगी, जब वो हील कर जाएगा सॉकेट पूरा तब मैं आपके यहाँ इम्प्लांट लगाऊंगा। या ये भी हो सकता है कि अगर छोटा सा होल हुआ वहाँ पे तो मैं यहाँ पे बोन भी लगा दूंगा जो टूटी हुई जगह खिड़की बनी है, और इम्प्लांट भी लगा दूंगा और बंद कर दूंगा, ठीक है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका दांत आराम से निकले और ये बोन इंटैक्ट रहे, ठीक है। आप दोनों पेशेंट को पहले बता देंगे, क्योंकि पेशेंट को पैसे का भी आइडिया होना चाहिए, पेशेंट को हीलिंग के टाइम का भी आइडिया होना चाहिए, पहले से पता हो। ये नहीं कि आप दांत निकाला ओहो आपकी बोन टूट गई है अब मैं बोन ग्राफ्टिंग कर दूँ उसमें, वो आपकी बोन ग्राफ्टिंग कर देगा, आपको पहले बताना चाहिए जो भी चीज़, ठीक है। वैसे ही डरा हुआ है पेशेंट। एनीवेज, तो अब हम करेंगे एक्सट्रैक्शन। इस तस्वीर पे एक मुझे एक आर्ट कंपटीशन में जो है ना मुझे एक फर्स्ट प्राइज़ दे देना चाहिए अभी से ही, कोई जो भी अगर आर्ट्स का स्टूडेंट देख रहा है मुझे एक ऑनरेरी PhD उसमें दे दे इस तस्वीर के लिए, वो होता है ना गैलरी में लगी होती है उसमें दे दें, बहुत आला तस्वीर है और सिर्फ डेंटिस्ट अप्रिशिएट कर सकता है कि ये दांत को निकालना इतना सीधा नहीं था जितने आराम से लग रहा है कि फूक क्या और ये बाहर आ गया, बट ये आ गया, ओके। सो ये निकाल दिया आराम से, अब ये निकाला है क्योंकि आराम से, तो क्या सीन है कि हमारे पेपिला बचे हैं, ब्रिज बच गया है, ठीक है, ये दांत नहीं हिला हुआ है, ठीक है, दैट्स गुड न्यूज़, ठीक है, पेपिला बच गया है क्योंकि प्रिडिक्टेबल रखना है मुझे। ये उसकी ऑक्लूजल तस्वीर है जो आपको नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रहा है कि 1, 2, 3, 4 वाकई मैजिक से दांत निकाला है, सारे के सारे टिश्यूज आर इंटैक्ट। एनीवेज, सो ये निकल गया। अब ये तो हो गई पहली गुड न्यूज़, ठीक है, कि बच गया टिश्यू, प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, लेकिन टिश्यू तो बाद में भी लगा सकते हैं। असल गेम क्या था, पेशेंट बताए मसूड़े छोड़े मुझे बताएं अंदर बोन है नहीं, उसका क्या हुआ, आप मसूड़े भी खुश हो जा रहे हैं अभी तक। अब मुझे देखना है कि जी ये जो बकल वॉल थी अंदर वाली, ये वाली जो पूरी वॉल थी, क्या ये जो वॉल है वो टूटी है या नहीं टूटी, ठीक है, ये देखना है असल। तो उससे पता लगेगा कि हम इम्प्लांट लगा रहे हैं अभी या फिर बोन ग्राफ्टिंग होगी। पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लें, राउंड एंडेड वाला जिसके एक लेंथ हो, CPIT इन प्रोब भी ले सकते हैं आप, ये एक डेप्थ गेज है जो इम्प्लांट के किट के अंदर आता है, उसके एंड देखें आप एक गोल सा है, डोम है, शार्प नहीं है, ठीक है। तो अब आप करेंगे क्या, ये नज़र आ रहा है हमें, अब हम इसको अंदर डालेंगे, इससे डेप्थ का भी अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन असल चीज़ करके आ रहा हूँ मैं, ये सॉकेट है, ये मैंने इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये शार्प है ना, तो लेट्स से ब्लंट एंड है, ये ना डाल दिया मुँह में, ठीक है, तो गोल वाला एंड
डाला और दुआ करा और सारी वॉल्स के ऊपर रन करके देखा कि यार ये कहीं से यूं यूं तो नहीं हो रहा। अगर कहीं से यूं करते हुए आप आ रहे हैं और ये यूं हो गया, इसका मतलब वो जो पीस था वो टूट के दांत के साथ आ गया, या अंदर ही टूट के कहीं पड़ा हुआ, और ये जगह जो है ना बकली आपका इंस्ट्रूमेंट बाहर आ रहा है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट डाला आपने, वो आएगा कहाँ से? वो यहाँ कहीं से बाहर आ जाएगा, या यहाँ कहीं से बाहर आ जाएगा, यहाँ कहीं से टिश्यू यूँ ऐसा लग रहा होगा कि बाहर आ रहा है, दैट मीन्स वो टूटा हुआ है। इसका मतलब आप इंसिजन देंगे ऊपर से, फ्लैप पूरा हटाएंगे, देखेंगे कहाँ है वो होल, और उसके बाद फिर वहाँ बोन ग्राफ्टिंग करेंगे। अगर आपने वो वाला केस देखना तो यहाँ क्लिक करें और वो जाके देख लें आप। एनीवेज, वो हमने हर जगह रन कर लिया और हमारी दूसरी दुआ कबूल हो गई। इसका मतलब पूरा सॉकेट इंटैक्ट है। अब पेशेंट को बता दिया आपका इम्प्लांट हो सकता है बगैर बोन ग्राफ्टिंग के, तो आपकी वो कॉस्ट भी नहीं है और वो एक और सर्जरी जो है आपकी बोन बोन लगाने की वो नहीं है। आई एम हैप्पी, द पेशेंट इज ऑल्सो हैप्पी। सो नाउ अब आएगा इम्प्लांट का एस्पेक्ट। अच्छा, मैंने एक्सट्रैक्शन कर ली है, अब आपके पास एक और, मैं एक क्योंकि मैंने जानबूझ के एक सिंपल सा केस रखा है, सिंपल मतलब छोटा केस है लेकिन सीखने को बहुत कुछ है इसमें। अब चीज़ें आप नेक्स्ट क्या सीख सकते हैं, नेक्स्ट एक ये आपको मैं सिचुएशन दूं कि आपके पास, अब समझे पेशेंट आया, पूरा सॉकेट मौजूद है, क्लीन है, और आपने बस इम्प्लांट लगाना है, ठीक है। लेकिन इम्प्लांट तो आप लगा देंगे, इम्प्लांट लगेगा आपका इस जगह पे, लेट से आपका इम्प्लांट आ गया इस जगह पे, तो ऊपर क्या करेंगे, इसे खुला छोड़ देंगे या ओपीडी की जगह यहाँ से मसीड़ा लिया, शर्ट फ्यूचर कंप्लीट, बेहतरीन, यहाँ से शर्ट ली यहाँ तक डाल दी, बेहतरीन, ये पूरा टिश्यू यहाँ से इसको पेरिओस्टियल डाल के आपने यहाँ पे डाला, क्या आप घुसाते हैं जब थर्ड ईयर में होते हैं ना, घुसाते हैं उसको, आप एलिवेट नहीं करते, खींचते हैं, एलिवेट भी नहीं होता वो, तो आपने ये लेके ये बंद कर देंगे सर, और पता नहीं क्या उसको ये छोड़ के ना, और आधी जगह बीच में नज़र नहीं आ रही क्योंकि सूचर घुसाया हुआ है, तो सूचर की नॉट से पता नहीं लग रहा, टाइट कर दिया सर, ये जो है ना बैग तैयार हो गया है, ये नहीं कर सकते आप, आपको यहाँ टिश्यू चाहिए, ठीक है। तो आप टिश्यू कैसे करेंगे, जब आप इम्प्लांट यहाँ लगा देंगे तो या तो आपने सूचर करेंगे जो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके टिश्यूज मोबाइल है नहीं, सारे अटैच जंजे हैं, तो ये जगह बंद करनी है, ये जगह बंद कैसे होगी, वो टिश्यू कैसे आएगा, यहाँ से पीछे पैलेट से एक पीस निकालेंगे, उसको जिंजिवल ग्राफ कहते हैं, ठीक है, यहाँ से पीस निकालेंगे और वो इसके ऊपर यहाँ लगाएंगे, ठीक है, सॉकेट के ऊपर ये ऐसे ऊपर लगा देंगे, और फिर उसको 50 सूचर देके ना, आप अच्छे खासे देके उसको आप बंद कर देंगे ताकि इम्प्लांट भी हील हो और ऊपर आपका कैप भी आ गया, तो अब अंदर खाना भी नहीं फंस सकता और हीलिंग प्रिडिक्टेबल होगी। एक इसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी। एक फ़ायदा ये कि जगह बंद होगी, विच इज़ सुपर गुड। नुकसान क्या है, अब आपको इसकी भी दुआ करनी है क्योंकि दिस इज़ पेरियो स्टफ, दिस इज़ नॉट ईजी स्टफ़, ये आपको आना चाहिए। अगर आपके पास स्पेशलिस्ट भी रखा हुआ है वो भी दुआ करेगा क्योंकि सूचर टाइट ना हुए हुए हों, बहुत अच्छे हुए हुए हों, पेशेंट सफाई रखे, और आप दुआ कर रहे हैं आप बैठ के, आपकी अपनी दुआ तो कोई बची नहीं, अब आप बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ने जो दान निकाला उसका कोई रेमनेंट ना रह गया हो, जो मैंने वो लगाई है इम्प्लांट लगाया है वो है वो हील कर जाए, इंटीग्रेट कर जाए, या फिर अब अच्छा सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू की भी दुआ मांगना शुरू कर देंगे अल्लाह के, सॉफ्ट टिश्यू जो है वो हील कर जाए, वो ना फेल हो जाए, वो टाइट ना हो, वो नेक्रोज ना कर जाए, वो खुल ना जाए, बहुत सारी दुआएं मांगनी पड़े ना अगर किस चीज़ के लिए, इसका मतलब वो आपके लेवल से थोड़ा ऊपर जा रही है, ठीक है, इसका मतलब इजी, इसको प्रिडिक्टेबल करना चाहें आप कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, केस टू केस डिपेंड करता है, बट आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना, आप मोर प्रिडिक्टेबल सेफ स्लो डेंटिस्ट्री चाहते हैं, बहुत फास्ट सब कुछ नहीं चाह रहे, वंस इन अ डे सब कुछ मैं कर दूंगा, आज ही बोन ग्राफ्टिंग निकाल दूंगा, कान आपका निकाल के यहाँ लगा दूंगा, एक टांग आपकी नई, दो लंग्स नहीं चाहिए, स्टेजेस में करेंगे, स्पेशली इफ द पेशेंट हैज़ नो प्रॉब्लम्स विद इट, ठीक है। सो व्हाट डू यू डू, हाउ कैन यू गेट टिश्यू यहाँ पे विदाउट डूइंग एनीथिंग बट डूइंग नथिंग, आप पेशेंट को बोलें आपका ये सॉकेट तो इंटैक्ट हो गया, मैं इम्प्लांट एक हफ्ते के बाद लगाऊंगा, क्यों, एक हफ्ते के बाद आपको पता है ना सॉकेट वैसे ही यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो आपको फ्री का टिश्यू मिल गया, आप 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद आराम से इसको बुलाएंगे पेशेंट को, सॉकेट आपका वैसे ही तैयार है, लेकिन आपको मुफ्त का टिश्यू मिल जाएगा, आपको पता नहीं हफ्ते में टिश्यू बन जाता है, एक हफ्ते में मिल जाएगा, ख़त्म, इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं, फिर आप एक ही चीज़ की दुआ मांगेंगे, सिर्फ मेरा इम्प्लांट इंटीग्रेट कर जाए, सॉफ्ट टिश्यू आपको फ्री का मिल गया। लेट्स सी, एक हफ्ते बाद हमने पेशेंट को बुलाया, वाह, 90%, 99% जगह पूरी बंद है अटैच जिंजिवा से, ठीक है, विच इज सुपर क्वालिटी गम, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट ये सामने से तस्वीर है, ये ऑक्लूजल है, और ये बीच में भी खड्डा नहीं है, ये बीच में क्योंकि सॉकेट है ना, तो वो टिश्यू की जो डेप्थ है वो थोड़ी है, नीचे कोई होल नज़र नहीं आ रहा है, दिस इज स्टिल क्लोज्ड, ये जो बीच में जगह है, सो आपको नज़र आया कि पूरी की पूरी जगह इज नाउ
कवर्ड विद अटैच जिंजिवा विच इज वेरी नाइस। ठीक है, अब मैं इंसिजन दूंगा, खोलूंगा और अंदर इम्प्लांट लगा के इसी को बंद कर दूंगा। ठीक है, गुड। कुछ ना करना भी कभी कभार इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। इम्प्लांट लगा दिया हमने एंड अगर अल्लाह करे आपका भी इतना अच्छा लग जाए, सेंटर में लग गया है, काफ़ी टाइम लगता है इसको यहाँ पे लगाने में, बहुत सारे आप लगाते हैं तब जाके अब ये बीच में होना शुरू हो जाते हैं। एनीवेज ये आपने बीच में लगा दी है, सेंटर में आपको टॉक भी अच्छी मिल गई है। अब एक और सामने मसला नज़र आ रहा है, और अच्छा आप बोन देखें, इसके इर्द गिर्द हर तरफ बोन है। ये रही बकल बोन आपकी, ये मीजियल डिस्टल है और ये मीजियल है, तो अच्छा खासा बोन की सराउंडिंग है इम्प्लांट की। एक मसला है क्लियरिंग, और वो क्या है जी, ये जगह देख रहे हैं आप और ये जगह देखें, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यहाँ क्या करूँ। सॉल्ट वाय का सुना ना अपनी, वो डालता है वो मशहूर हो गया, हम सारे फ़ौरन जो डेंटिस्ट है ना, स्पेशली जो यंगर लॉट है, वो बन जाता है बोन बाय, बोन पकड़ी बोन छिड़क रहे हैं उसके ऊपर, चलिए जगह बंद, जो खाली जगह नजर आई बोन उसके अंदर डाल दी। ओ भाई मैंने आपको बताया ना, ज़रूरी नहीं हर जगह बस बोन आपने उसको डालनी है या छिड़कनी है उसके अंदर बोन, प्रोटोकॉल्स हैं, रिक्वायरमेंट है, इंडिकेशंस हैं, हर वक्त नहीं डालते उसको। ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है ना आपको, खाली जगह नज़र आ रही है आपको, मैं थोड़ा साफ करता हूँ, अब थोड़ा जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये बोन का लेवल है, ये इम्प्लांट का लेवल है, ये इम्प्लांट का लेवल है, ये बोन का लेवल है, ये जो बीच में डिस्टेंस है ना इन दोनों के, इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं जंपिंग डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस है बिटवीन बोन एंड द इम्प्लांट सर्फिस विच द बोन विल जम्प एंड फिल। अगर ये जगह बहुत बड़ी है तो बुक कहती है, बुक के आर्टिकल्स कहते हैं अगर अप टू 3 mm है ये डिस्टेंस, आपको कुछ अंदर डालने की जरूरत नहीं, ये खुद ही बंद हो जाएगा। ठीक है, 3 mm अगर है, अभी जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है आपको इस वक्त, ये है अबाउट 2 mm। ठीक है, और ये मेरा सेफ्टी नेट है, आर्टिकल्स कह रहे हैं 3 mm और आप हर चीज़ में डाल रहे हैं, तो मेरा अपना सेफ्टी नेट है ना, आप जो भी रखें, आर्टिकल्स कह रहे हैं 3, आप 3 रख सकते हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स कह रहे हैं ना उनकी क्वालिटी ऑफ डेंटिस्ट्री भी बहुत ऊपर है, तो अगर आप कुछ थोड़ी सी भी उससे नॉर्मल कर रहे हैं, आई वुड एडवाइस नॉट टू बी सो एडवेंचरस। मैं 2 mm तक अगर मुझे सॉकेट के वो सॉकेट कह रहा हूँ जंपिंग डिस्टेंस अगर आता ना खाली जगह, 2 mm को मैं फिल नहीं करता, तो मैंने इसको फिल नहीं किया है। ठीक है, ये जुगाड़ नहीं है, दिस इज रिसर्च ओरिएंटेड डेंटिस्ट्री। ठीक है, तो ये मैंने कुछ फिल नहीं किया इसको, तो पेशेंट के पैसे भी बचें एंड एक और मुझे चीज़ की दुआ शुआ नहीं करनी पड़ेगी कि यार अब वो बोन ग्राफ्ट भी हील कर जाए, कुछ नहीं करना, और अब आप इसको बंद कर दें। लास्ट टिप, मैंने इसको बंद कर दिया, इसके ऊपर मैंने कवर स्क्रू नहीं लगाया, कवर स्क्रू जब लगाता तो मेरा इम्प्लांट थोड़ा गहरा लगा हुआ पाते हुए। ठीक है, अगर दो और टिप दे रहा हूँ, एक टिप ये कि जब आप एक्सट्रैक्शन सॉकेट में काम करते हैं ना, तो मैं बजाय वैसे जो नॉर्मल इम्प्लांट लगाते हैं वो 1 to 1.5 maximum 2 mm के करीब आप सबमर्ज लगाते हैं हड्डी से थोड़ा सा नीचे, ताकि थोड़ा सा भी लॉस हो तो आपके फिर भी इम्प्लांट के ऊपर ही है बोन। इसमें मैं 2 to 3 ले जाता हूँ, स्पेशली अगर आगे वाला है, कि अगर ज़रा सा भी बोन लॉस हुआ भी ज़्यादा भी, तब भी कवर अप करके मेरे इम्प्लांट वहाँ तक बोन आ जाएगी। उसका एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि बोन जितनी भी लूज़ हो जाए आपके पास इम्प्लांट के ऊपर बोन होगी 2 महीने बाद। ठीक है, लेकिन नुकसान ये है कि अगर सारी हील कर गई तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 mm या 2.5 mm की बोन ही बोन होगी, और आप जब खोलेंगे 2 महीने बाद तो आपको इम्प्लांट नज़र आ नहीं रहा होगा। अब आप एक और सर्जरी करेंगे, स्लो स्पीड लाओ, ढूंढ रहे होंगे, खोद रहे होंगे, देखे कहीं से कहीं नज़र आ जाए आपको कवर स्क्रू नज़र आए, कवर स्क्रू बहुत गहरा लगाया हुआ और हीलिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने एक हीलिंग अबटमेंट लगा दी जो 2 महीने बाद लगाते हैं, पतला, विच विल एक्ट लाइक अ लॉन्ग कवर स्क्रू। ठीक है, उससे 2 फायदे हो गए, एक फ़ायदा तो ये हो गया कि ये जगह भी कम हो गई। ठीक है, दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि जो बहुत गहरा लगाया था, अब मेरा इम्प्लांट यही है ना, लेकिन कवर स्क्रू तो वहीं रहता है, कवर स्क्रू यहाँ नहीं है, अब मेरा जो कवर स्क्रू है जो कि एक्चुअली हीलिंग अबटमेंट है वो यहाँ कहीं है, यहाँ से यहाँ, तो एक लंबा कवर स्क्रू है, तो जब नेक्स्ट टाइम मैं खोलूँगा 2 महीने बाद तो मुझे इतना गहरा खोदने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा भी करूँगा मुझे नज़र आ जाएगा कवर स्क्रू विच इज़ एक्चुअली हीलिंग अबटमेंट, और वो निकालूंगा, मैं इम्प्लांट के ऊपर अपना अबटमेंट लगा सकता हूँ। क्या रह गया, सूचर्स, अच्छे खासे सूचर कर दिए हमने, जगह बंद है वो वैसे ही बंद थी जगह, ये बकल तस्वीर ताकि आपको नज़र आए, जो नॉट है वो मैंने बिल्कुल इंसिजन लाइन के ऊपर नहीं दी हुई, उस तो बाकी सब लोग देखें, सर देखें आपने इंसिजन लाइन के ऊपर नॉट दी हुई, नहीं दी हुई, बकल पे देख लें आप, तो सूचर्स दीज आर वाइक्रल, ये एक्सरेज की पिक्चर्स हैं, ये इनिशियल ड्रिलिंग है, ये इम्प्लांट प्लेसमेंट है, अब इम्प्लांट देखें आप, मैंने आपको बताया था ना जब जो कवर्स हुई कहानी, ये काफ़ी डीप है, ये काफ़ी डीप है। ठीक है,
सो मैं नहीं चाहता कि मेरे कवर्स क्यों आएगा, वो यहीं तक आएगा। मैंने क्या किया, मैंने अपना यहाँ तक का हीलिंग ओपन लगा दिया ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं ओपन करूँगा तो बहुत नीचे नहीं जाना, जो आपको नज़र आएगा। अब आप देखें मेरा हीलिंग अवर्टमेंट इज़ वेरी नाइसली एक्टिंग लाइक अ कवर स्क्रू, अ लॉन्ग कवर स्क्रू। और नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट हैव टू ड्रिल मच बिकॉज ये री बोन और ये री बोन, ठीक है, थोड़ा बहुत तो बोन लॉस होगा। एंड देन आई कैन गेन एक्सेस टू माई दिस रीजन आराम से जब मैं हीलिंग अवर्टमेंट निकालूंगा और अडेप्टर लगाऊंगा। सो दैट्स दैट, मुश्किल पार्ट है वो ख़त्म हो गया। अब ईजी पार्ट रह गया सिर्फ क्राउन लगाना। 2 या 3 महीने बाद जब ये जगह पूरी हील कर जाएगी यहाँ पे, तो फिर हम एक इस जगह पे नाप लेके हम एक क्राउन दे देंगे, बस और कुछ नहीं बचा इसके अंदर। एनीवेज, तो छोटा सा केस था लेकिन सीखने को बहुत सारा कुछ मिला है, इसलिए मैंने एक केस इसके अंदर डाला है। एंड आई होप आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है। आई होप क्या सीखने को मिला ही होगा, एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करें। हर दफ़ा आपको तेज़ तेज़ सब कुछ नहीं करना पड़ता, कम काम करके ज़्यादा आउटपुट लिखा इज़ दी एम। ज़्यादा काम करके तो कोई भी कुछ कर सकता है। ज़्यादा काम मतलब मैं सॉफ्टवेयर ग्राफ भी कर लूँ उसके पैसे भी आ जाएंगे, और बोन ग्राफ कर लूँ उसके पैसे भी आ जाएंगे, इम्प्लांट लगा दूँ उसके पैसे भी आएंगे। 1 करोड़ रुपए एक केस से आ गए और उसके बाद वो फेल हो गया क्योंकि 50 चीज़ें एक साथ की हुई थी, तो किसको मिला? मतलब आपको अपने ही ऊपर ही है मारने वाली बात। तो स्लो रखें, प्रिडिक्टेबल रखें, सेफ रखें, एंड केस टू केस इवेल्युएट करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।